ये भाई सलमान खान की भेड़ है, कुछ करेगी तो डिफरेंट ही करेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है एक नया दिन, नया व्लॉग, और आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह जहाँ पे मतलब हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे और काफ़ी सारे व्लॉग भी बनाएंगे। पीछे भाई बहुत ज़्यादा रोशनी हो रखी है, तो मौसम है ठंडा ठंडा, और ये है यहाँ का सुबह सुबह का व्यू। अभी तो लास्ट टाइम तो मैं मतलब वहाँ गया था, न्यू साइड्स गया था, तो वहाँ पे काम करने के लिए चाचा के साथ, बट आज सुबह सुबह वापस आए हैं। तो अब हम जा रहे हैं, एक लड़का है जो यहाँ पे रहता है रूम नंबर 16 में, उसके साथ जा रहे हैं हम कहीं घूमने जा रहे हैं। वहाँ पे जाके बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे है, और इन्जॉय करेंगे आज का दिन। और फिर भाई एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो उसके भी बनाएंगे। तो आई थिंक इस वीक दो वीडियोज़ आएंगी, एक तो ये वाली आएगी और एक और नेक्स्ट वाली आएगी। तो अब चलते हैं फिर। लोन कोआला सेंचुरी में, जहाँ की हम व्लॉगिंग करेंगे और थोड़ा दिखाएंगे आपको कि कैसा है। और हमारे साथ आए भाई जपित, क्या हाल है जपित? बढ़िया, सबको हेलो बोलो। हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो भाई जपित भी हमारे साथ ही रहता है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वह 16 नंबर में, मैं रहता हूँ 5 नंबर में। तो भाई लखनऊ से हैं, लखनऊ की बिरयानी तो भाई होती ही टेस्टी है, तो नवाब बिरयानी, हाँ नवाब के शहर से। तो गाइस ये है कोआला सेंचुरी, और यहाँ हम आज देखने आए हैं कोआलास, एक एक आधा घर पे भी ले जाएंगे। भाई जब थैली लाया ना, पॉलिथीन वॉलथीन लेके आया ना, और क्या दबा के ले जाएंगे, बैग वैग में डाल देंगे। और वहाँ से हम लेंगे भाई टिकट, वहाँ पे लगी है थोड़ी सी लाइन, लोग बैठे हुए हैं, देखते हैं। तो यहाँ से भैया आप टिकट ले सकते हैं, सुंदर कुड़ी भी मिलेगी देखने को। सोने पे सुहागा। और ये है भाई सारे प्राइजेस, एंट्री फी, और ये बाइसिकल है पता नहीं किसकी, उठा लेंगे। तो ये है भाई कोआला, तस्मेनियन डेविल्स एंड प्लैटिपस देखने के लिए यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ से मतलब सारी सीढ़ियाँ हैं, लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं। और ये है भाई जादू का दरवाज़ा, मैं नहीं, ये पीछे वाला पीछे वाला। तो गाइस ये है फर्स्ट डिस्प्ले, आई थिंक ये है लिटिल रेड फ्लाइंग फॉक्स, आई थिंक जिन्हें कहते हैं हम चमगादड़, हमें अभी दिख नहीं रहे हैं। कुछ दिखा तो था वहाँ केज में कुछ है, केज ये है पता नहीं क्या कहते हैं इसे। तो ये है रेड टेल ब्लैक कॉकटू, और इन्हें खाना खिलाना अलाउड नहीं है। और वो था बुश थिक नी, बोला भी नहीं जा रहा भाई नाम। तो अभी हम कोआला देखने जा रहे हैं, और ये है मतलब सारा का सारा। और यहाँ पे पता नहीं कोई तोता है, वहाँ पे लोग खिला रहे हैं, वहाँ पे आई थिंक काम कर रहे हैं और खिला रहे हैं। वहाँ पे सुंदर लड़की, ये है कोआला जिसको हम देखने के लिए आए हैं। ये वाला रियल है, सो रहा है, पीछे भी है वहाँ पे, अभी देखेंगे, उधर भी बैठा हुआ एक।
और अगर मतलब आपको इसके बारे में जानना है तो आप यहाँ पे कोड स्कैन कर सकते हैं, तो आपको इसके बारे में सब पता चल जाएगा एनिमल के बारे में। और यहाँ पे हैं और भी कोआलास, जैसे कि आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ये पेड़ पे बैठे हुए हैं। हमारे पास कैंगरू के लिए खाने के लिए है, लेकिन हम कोआला को खिला नहीं सकते, उसके लिए अलग टूर होता है। इस साइड से मतलब और क्लियरली दिखेगा होपफुली। तो मतलब आप कोआलास को ना मतलब छू भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग टूर होता है। उसके लिए आपको 200 आई थिंक 150 डॉलर्स का एक टूर होता है, सो आपको पे करना पड़ेगा। और आप कोआलास को छू सकते हो, कर्डल कर सकते हो, आप उनके साथ पिक्चर्स खींच सकते हो, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपकी पिक्चर खींचेगा और बाद में आपको बेचेगा। मैं तो गाइस ना बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, कम करना पड़ेगा। तो अभी हम ना कैंगरू ढूंढ रहे हैं। हमने कोआला देखे, प्लैटिपस देखे जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। और यहाँ पे मतलब कुछ कोआलास हैं जो वहीं काम कर रहे हैं, लेजी नहीं है, कुछ वर्काहोलिक हैं जो कि मतलब इधर उधर घूम रहे हैं। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कैंगरूज को और देखते हैं फिर जब भी मिलेगा तो बताते हैं। तो गाइस यहाँ है क्रोकोडाइल, डिंगोस, बान एंड शीप डॉग, प्लैटिपस हमने देख लिया, कंगारू हमें दिखा नहीं। और अभी अभी भाई अभी भी यहाँ पे आप मतलब क्या कहते हैं कोआलास का कर्डल करने का है यहाँ पे। फनी चीज़ ये हुआ कि हम ना वहाँ पे सारे के सारे लोग लाइन लगा के खड़े थे और हम एग्जिट से अंदर जा रहे थे, ऐसे वहाँ सारे वेट कर रहे हैं और हम ऐसे ही खुले आम अंदर घुस रहे थे। वहाँ पे लेडी ने रोक के कह दिया कि भाई दूसरी तरफ से घूम कर आओ, तो पता चला कि भाई वो तो पैसे ले रहे हैं और छुआने के भाई। तो हमने कहा भाई हमें तो नहीं करना, अब हम क्रोकोडाइल देख के आ रहे हैं और बाकी कैंगरू दिखेगा तो उसे खाना खिलाएंगे। तो भाई इसने तो पता नहीं क्या किया, ऐसे मुँह छुपाना पड़ रहा है। लो भाई लोग नहा लो। तो गाइस ये है डिंगो जो कि हमारे गांव में तो भाई कुत्ते कहते हैं इंडिया में, और वो भाई वो भी डिंगो परेशान है, कह रहा है कि भाई कुत्ता था मैं, डिंगो बता के पकड़ लिया। मेरी शक्तियों को गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो खैर हम गलत इस्तेमाल किया गया है। अरे भाई देखो भाई ये पानी है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। आई थिंक यहाँ से हम ना उन बच्चों को देख सकते हैं। और हमें पता चला कि भाई यहाँ पे तो मगरमच्छ यहाँ बैठा है, दूध सेक रहा है, और वहाँ वो बच्चे तीन वो झुंड बच्चों का पागल हो रहा है। इन्हें देख ले, वो तो हाथ उठा दिया, हाथ मारा, पोज दे रहा भाई अपना। वो देखो उसे पता है फोटो खींच रही है, स्टाइल दे रहा हो भाई। वहाँ पे ना कुछ लोग डॉग लेके आ रखे, तो यहाँ के दोनों डिंगो पागल हो गए, डिंगो खुश हो रखे हैं। और तीसरा भी है, इनका तीन जोड़ा भाई। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रेप्टाइल्स को देखने, और आई थिंक रेप्टाइल्स में अंधेरे रूम में है, तो अंदर जाके वीडियो बनाते हैं। Yo, why is he looking at me like that? What's up, little bud? गाइस जैसे कि आपको वहाँ पे दिख रहा होगा सांप बैठा, और उस वाला वो ऊपर बैठा है। हाँ नहीं, हैरी पॉटर में बोलता है भाई सांप का कांच खुल जाता है, ये वाला ये कांच खुल जाता है पूरा का पूरा। हैरी पॉटर याद है, हैरी पॉटर में वो कुछ बोलता नहीं, कांच गायब हो जाता है।
वही ना हो जाए, इसलिए भाई बाहर हम जा रहे हैं उसे। देखिए ये तो भाई, ये भाई बिलख रहा है, ये बाहर आने के लिए। गाइस ये है कमोडो ड्रैगन, वहाँ पे बच्ची देख रही है वारनेस, और भाई यहाँ की छिपकली गायब है, और यहाँ की छिपकली सही जगह पे है भाई, वहाँ की छिपकली गायब हो रखी है। यहाँ पे है फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, यहाँ के भी लापता हैं, लेकिन आप नहा सकते हो यहाँ। और वो रहे कैंगरू, वो रहे कैंगरू सामने। तो गाइस अभी वहाँ कैंगरू देख रहे हैं, वहाँ पे लोग ना खाना वाना खिला रहे हैं, हम कैंगरू का खाना लेके घूम रहे हैं। तो गाइस आ गए हैं हम दबान में, और यहाँ पे भाई भेड़ रखे हुए हैं इन्होंने, यहाँ पे कुछ शो वो चल रहा है, भेड़ के साथ हम फोटो खिंचा सकते हैं, लोग खिंचा तो रहे हैं। बच्चा उठा रखा है, भेड़ के बच्चे उठा लिए। ये है गिनी पिग, आई थिंक और भी यहाँ हट के नीचे एक और भाई यहाँ पे देखो भाई ये भेड़े घूम रही हैं, तो हम छू भी सकते हैं भाई, खा जाएगी तेरे खाना ला रखा तूने, क्या कर रहा है, छू मत भाई, कुछ देता नहीं है तुम्हें। देखो भाई ये भेड़े, देखो भाई ये खाना है, इसके पीछे आ रही है, ये भाई सलमान खान की भेड़ है, कुछ करेगी तो डिफरेंट ही करेगी। तो गाइस ये हैं शीप डॉग, जो सुंदर लड़के सिर्फ सुंदर लड़कियों के पास ही जाते हैं, हम दो लौंडों पे नहीं आ रहे इंडिया में भाई, ये सुअर भाई नालों में घुसे रहते हैं और इनकी इज्जत यहाँ हो रही है, वैसे करते तो यहाँ पे भी नहीं है, इनको भी बना के खा जाते हैं, लेकिन भाई इज्जत हो रही है भाई इनकी, खाना वाना खिलाया जा रहा है, हट्टा कट्टा किया जा रहा है। वहाँ पे भेड़ है पीछे, वहाँ पे भेड़ हैं इतने सारे, उनके आई थिंक भूल वाले हैं, गंजे चिकने लग रहे हैं एकदम, हाँ जपित वो चिकने लग रहे हैं, वो भूल वाले हैं भेड़, और क्या भाई उनकी उतार रखी है उनकी उतार रखे, तभी हल्के घूम रहे हूँ। ये रहा भाई गिनी पिग, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कंगारू को छूने, उनका खाना है, पेट पूजा करवा के आते हैं, तभी तो हम अंदर आ गए हैं। एक कंगारू भाई धूप सेक रहा है, इसे परेशान करते हैं, इसके मुंह में उससे मजे ले जाए, आइए उससे मजे लेते हैं। ये भाई ये छोटा भाई हमारा धूप सेक रहा है, पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, वो भाई है वो खाने के मूड में लग रहा है, क्योंकि उसे लोग खिला रहे हैं, और वहाँ पे भाई घूर रहे हैं वो तीन चार बंदे, वो उनकी स्ट्रीट गैंग है। और भाई जो इनके बाहर खड़े आई थिंक ये आई थिंक बच्चे हैं सारे के सारे, भाई चपित खाना खिला रहा है, और यहाँ कस्टमर आपके आगे झुकता है, मूड नहीं है उसका, बीड़ी बीड़ी पिएगा वो खा रहा है, साला ये तो वो दिखा रहा भाई, है दिखा रहा है एटीट्यूड है इसमें, सेट वेट का है, जेल लगा रखा है, नहीं है मूड भाई, रहने दे भाई परेशान नहीं करेंगे तेरे को, भाई यहाँ पे ना जितने भी कांगरू है ना इतने सारे लोग हैं भाई खिलाने वाले, पीछे भी लेडी खिला रही है, हमारे जपित भाई ने भी इतना सारा खिला दिया, बहुत कोशिश करी लेकिन ये पेट भरा है बेचारों का, उनका पेट भरा हुआ है, और भाई सारे के सारे लोग जबरदस्ती उनके मुंह के सामने ढले जा रहे हैं भाई, बुरा मान गए भाई, ये भाई बुरा मान गया, देख भाई बैठ गया हमारा, आओ ये भाई बैठ गया, और भाई मेरे बाबू ने खाना खाया, बाबू खा लेगा, बाबू खाता रहता खाना, बाबू खाना खा के इतना बड़ा हुआ है, बाबू भाई इसका बाबू नाराज है। हम हैं पल्लव चमोली, लाइव इंटरव्यू विद कांगरू, क्या भाई चल रहा है जिंदगी में आपके, घर गृहस्थी में क्या चल रहा है बताइए, नहीं भाई नहीं, नहीं नहीं, हमने भाई जान पहचानी भाई पूछ रहे थे
ये भाई बुरा मान गया, इधर इधर बैठा जा रहा है बेचारा, दबा के जा रहा भाई अपना। सच बताओ ना भाई, यहाँ पे लोगों ने ना सारे कैंगरू का ना पेट भर दिया है। अब भाई वो धूप सेक रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हमारे से खाना नहीं खा रहे। हमने 3-4 को ट्राई किया लेकिन नहीं, कोई लक नहीं। खुद ही खा के जाना पड़ेगा लगता है, खुद ही खा के। भाई जपित भाई ने तो भाई दो 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 थैलियां पकड़ ली है, खुद ही खाना पड़ेगा, अच्छे से खिलाएंगे। I get so caught up in the mirror, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. अभी हम आया शीप शो देखने, अभी हमने बर्ड्स वाला देखा। जपित भाई जपित लौंडे, क्या चल रहा है सब कुछ? और पीछे पीछे मतलब सारे शीप को नंगा किया जाता है, उनके बूल बूल निकाले जाते हैं। और अभी फिर हम यहाँ पे बैठ के भाई शीप शो देखना है, अभी भेड़ बकरे नाचते हुए देखना है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आ रहे हैं लौंडे, लोग आ रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं स्लोली। वहाँ पे ना सारा बोट वोट का सीन रहता है, यहाँ पे क्रूज भी आती हैं लेकिन उसके थोड़ी टिकट्स काफ़ी महंगी होती है। तो उस साइड अगर दिख रहा होगा तो धुंधले में वहाँ पे खाली बोट का भी है, डॉक बना रखे हैं वहाँ पे, सारी क्रूजेस भी आती हैं और काफ़ी सारी भी आती हैं। कैसा लगा भाई डॉक शो? बढ़िया, मज़ा आया। कितने पैसे, कितने नंबर देगा? 10 out of 10। भाई सर बहुत अच्छा था शो, मज़ा आया, आप भी ज़रूर आना। क्या नाम है? लोन पाइन सेंचुरी है, कोआला सेंचुरी है। अगर आपको टूर करना है तो आप टूर करिए, वरना मतलब कैंगरू को तो आप टच कर ही सकते हैं। हमने खाना खिलाया, प्रमोशन नहीं है या हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं, खाली ब्लॉग के लिए बोल रहे हैं। तो आपको अगर ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो ब्रिस्बेन आते हैं तो यहाँ पे लोन कोआला सेंचुरी में आइए, मोस्ट विजिटेड एरिया में, टूरिस्ट लोग काफ़ी अच्छा है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आइए जरूर। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, कीप ट्रैवलिंग और कीप लिविंग योर लाइफ।